नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं सुनील शर्मा। नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। मैं लखन भारती, भारत मित्र लाइव। नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आपका स्वागत है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बाकायदा चुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसे में कोलकाता के नए लंबरदार की तलाश में हम पहुंचते हैं काशीपुर इलाके के वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 की लंबरदार सुमन सिंह काफी लंबे समय से इलाके की लंबरदारी करती रही हैं। जाहिर है, इतने लंबे समय तक यदि कोई पद पर रहे तो अगर वो कुछ भी करे, किसी भी तरह से अगर समय खींचता रहे, तब भी कुछ न कुछ काम तो जनता का हो ही जाता है। तो ये लाजमी है कि लोग उनके काम से कुछ हद तक संतुष्ट तो होंगे ही। हमने भी यही देखा कि इलाके में जहाँ जहाँ भी हमने लोगों से संपर्क किया, लोगों का यही कहना था कि हाँ, सुमन सिंह ने इलाके में कुछ विकासमूलक काम किए हैं। ऐसे में सपाट पीच पर अब तक बैट करने वाली सुमन सिंह के लिए अगली लड़ाई कैसी होगी, ये जानने के लिए पहले हमने जनता का मूड जानना चाहा। आइए देखते हैं जनता क्या कहती है। रोड देख सकते हैं, रोड बना है, यहाँ पे सड़क, यहाँ फुटपाथ था, यहाँ हमारा वो पूरा खराब हो चुका था, वो फिर से हम लोग का बना है। अभी हाल फिलहाल बना है, अभी हम लोग का ये रामकृष्ण मार्ट के सामने में अभी 31st आ रहा है, उनका भी अभी अच्छा से सजावट होगा। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है, हर टाइम पानी मिलता है काशीपुर में। दोनों के लिए तो बहुत पानी का नल कम था, पानी का दिक्कत था। सुमन सिंह बहुत लंबे समय से रही है काउंसिलर, एक अनुभवी भी है, लेकिन क्षेत्र का कुछ ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है और बहुत सारे मुद्दाए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसको समस्या भी है बहुत सारी। और आपका बीजेपी से भी कई सारे कैंडिडेट हैं, उनमें सुनने में ये भी आ रहा है कि दो चार कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीएमसी से ही प्रोजेक्टेड है, जो पार्टी को डैमेज करने के लिए है। क्योंकि अगली बार जो रिपोर्ट के अनुसार हम लोग जो प्रमिला सिंह जब चुनाव लड़ी थी, उसमें ये रिपोर्ट मिला था कि कुछ लोग हैं जो मतलब बीजेपी के ही कुछ लोग जो है वो इंटरनल रूप से उनको हराने में अच्छी अपनी भूमिका निभाए थे, और इस बात से उन्हें बहुत गर्व भी है। यही सब आपसी रंजमंच के कारण जो है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। श्रीमती सुमन सिंह और इस साल भी इंशाल्लाह वही जीतेगी श्रीमती सुमन सिंह। मुसलमान रहा जो बच्चा हमारे पहाड़ जो बच्चा रहा, लेकिन पार्क नहीं किचू नहीं, और झाबे को खेलते छोटे छोटे बच्चा रहा, यही गोरू मुसलमान गोरुआरा जो तो सब गोरु छेड़े दा बच्चारा एक कदे खेलबे बोलो। हमारे यही तो समझो बोझी तो बोलते हैं पोर पुरस्कार रखते भाई कथा, हमारे बच्चारा छोटो छोटो बच्चारा जाबे कथा ये खेलते हमार पाड़ा बच्चारा जाबे कथा है पाड़ा बच्चारा तो ये तो बिरिए दोपहर वाला रात वाला एक टाइम पास कर एक खेले जाबे कथा है। सबसे अच्छी है, सारा काम कोई भी ऐसा मुसीबत होता है खड़ी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी बुलाओ तब भी आती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है, 24 घंटा पानी है, सारा कुछ है। मेरा यही पानी जो बनाया ड्रेन का पानी घर में चल जा रहा है। हम लोग पैसा दे ड्रेन बनवाए दुआरी कभी सामने, यही समस्या है। पक्ष या विपक्ष के आरोपों से दूर सुमन सिंह लगातार इस वार्ड में काम करती मिल जाएंगी। उनका दावा है कि जितना समय मिला और जितने संसाधन थे उनके मुताबिक उन्होंने स्थानीय लोगों की सेवा की है। ममता बनर्जी के सपनों के बंगाल को सजाने का दावा करती सुमन सिंह अक्सर अपने इलाके के दौरे पर जाती हैं, लेकिन बस्ती क्षेत्र होने और तरतीब आबादी के कारण बगैर किसी पायलट प्रोजेक्ट के इस इलाके को रातों रात लंदन बनाने का सपना कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में सुमन सिंह विशेष योजना के साथ यहाँ की बस्तियों की सूरत जरूर बदलेंगी। वैसे स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। जनता की उस तरह की कोई मिली जुली प्रतिक्रिया नहीं मिली।
हाँ ये जरूर है कि बस्तियों में रहने वाले लोग फिलहाल सुमन सिंह के कामकाज से असंतुष्ट हैं। उनका ये मानना है कि बस्तियों का उन्नयन होना बाकी है। बस्तियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जा सकती थीं, शायद उन योजनाओं पर फिलहाल काम नहीं हो सका। इस मामले में आइए हम एक बार जानते हैं सुमन सिंह का क्या कहना है। सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ देखिए, अगर दिया है साधारण पब्लिक, हमारे जो साधारण पब्लिक हैं इनके लिए जो कार्य हम लोग करते हैं, जितना काम हम लोग कर पाते हैं, मेरा सबसे बड़ा खजाना यही लोग हैं। हम रोज़ इन लोग से मिलते हैं, रोज़ इन लोग का काम करते हैं, हर काम में इन लोग के हम प्रस्तुत रहते हैं। मेरा मेन यही रहता है कि इन लोग के हर काम को हम कर सकें। देखिए हमारा जो एरिया है, ये एरिया टोटल 80% बस्ती से घिरा हुआ है, तो यहाँ समस्याएं हमेशा है। हम बहुत समस्या सॉल्व किए फिर भी नए समस्या रोज उभरते हैं। का आज का अभी अगर लिया जाए तो लक्की भंडार और सास्तो साथी का जो कार्यक्रम हुआ, खासकर मेरे वार्ड में हम जहाँ तक जानते हैं सास्तो साथी बहुत सक्सेसफुल दीदी का कार्यक्रम में एक है और वो हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ के बहुत सारे लोग जो आज के दिन में बेनिफिट पाए हैं, जैसे हमारे दो तीन लोग हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में जाके अपना बाईपास करवाए हैं, 2.5 लाख 3 लाख का उनका जो एस्टिमेट है उसको वो लोग कवर किए हैं पूरा। हिंदी भाषी वार्ड होने के नाते जाहिर है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आइए देखते हैं इस वार्ड में भाजपा की प्रखर नेत्री, इनका क्या कहना है। मतलब जनहित के लिए काम, जनता के लिए, क्योंकि हमारा यह है मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास। आप जैसा कि जानती है हमारे प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास मतलब जनता के हित के लिए मैं समर्पित रहूंगी और उनके हर सुख दुख रात को चाहे दिन हो और रात के भी अगर हम बात करते हैं उनके पास खड़ा होने की बात करती हूँ और अवश्य करूँगी। ये मेरा संकल्प, आपने भी देखा होगा कितने कचरे पड़े हुए हैं, कभी यहाँ सफाई नहीं होती है, कभी सुपर नहीं आता है, कभी यहाँ झाड़ू नहीं लगता है, चाहे जितना कोरोना काल चला गया कभी जो यहाँ पर वैक्सीन नहीं आए, वैक्सीन नहीं छोड़ी गई। सुमन सिंह कभी यहाँ देखने नहीं आती है, कभी देखे वो प्रमिला सिंह का इलाका है, अरे कौंसिलर तुम इलाका प्रमिला सिंह का, कौंसिलर वो है तो वो पड़ेगा ना सिंह। पूरे वार्ड की जमीनी हकीकत जानने वाले हमारे प्रतिनिधि सुनील शर्मा का इस मामले में क्या कहना है, आइए पूछते हैं सुनील से। जी हमने वार्ड 6 का दौरा किया, वहाँ की स्थिति देखी, वहाँ की कोऑर्डिनेटर सुमन सिंह से बात की, उन्होंने दावा किया कि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, विकास के बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही जो उन्होंने यह स्वीकार किया कि यहाँ जो ड्रेनेज की समस्या है वो अभी भी है, उसे दूर करने का प्रयास किया है, उसके लिए माकूल योजना की ज़रूरत है और यदि इस बार जनता उन्हें मौका देती है तो यह समस्या भी दूर कर ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जो भाजपा की नेत्री प्रमिला सिंह हैं, उन्होंने कहा कि वार्ड के लिए कुछ नहीं कहा किया गया है, जो काउंसिलर है, जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो दावा करती हैं वो बिल्कुल खोखले दावे हैं। उन्होंने कहा कि जो 20 साल परिस्थिति यहाँ की थी आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। इधर जनता से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, कुछ जनता कहती है कि उन्हें जन सुविधाओं से वंचित रखा गया, लेकिन कुछ का कहना है कि उन्हें हर सुविधा मिली। एक पार्षद के नाते सुमन सिंह ने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया और सुख दुख में वह उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। बहरहाल मौजूदा स्थिति परिस्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि सुमन सिंह के लिए यहाँ राजनीतिक लड़ाई, यहाँ जो चुनावी लड़ाई बहुत कठिन नहीं है। हालांकि अभी यह सब कहना बहुत जल्दीबाजी होगा क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, नतीजे बाकी हैं। सुमन सिंह के लंबे कार्यकलाप और पक्ष विपक्ष में लोगों की दी गई दलील के साथ ही हमारे प्रतिनिधि ने अभी तक जो रिपोर्ट वहां से भेजी है उससे ये लग रहा है कि सुमन सिंह के लिए ये लड़ाई इस बार भी बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। बहरहाल चुनावी नतीजे तय करेंगे कि जीत किसकी होती है। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।